हाय, एक लिमिटेड सीरीज देखिए नेटफ्लिक्स पे। इसका नाम है, ये वैसे मेक्सिको बेस्ड स्पेनिश सीरीज है, बट आई हैव सीन इट इन इंग्लिश। ऑब्वियसली इट्स नेम इज थर्सडे विडोज। ये एक बहुत एक पॉश इलाके की स्टोरी है, जहाँ पर जो पांच कपल्स हैं, चार कपल्स हैं, ये इन्होंने वेंटेज पॉइंट की तरह शूट किया है। जैसे हर एपिसोड में एक फैमिली के बारे में बताते हैं, और वो जो फैमिली है उसके बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। जैसे एक फैमिली है जिसमें एक बहुत विनर काइंड ऑफ हस्बैंड है, मगर वो भी लूज कर रहा है अपने करियर पे, मगर सबको दिखा रहा है कि बहुत, क्योंकि एफ्लुएंशियल, जैसे हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में मान लो सेक्टर 2 के लोग हैं, तो वैसे वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा सुपर रिच लोग हैं। एक है जो पॉलिटिशियन का बेटा है, मगर उसको अब पॉलिटिक्स में जो जिस पार्टी का है, वो पार्टी वाले आर थ्रोइंग हिम आउट, एंड ही हैज टू बिल्ड अ न्यू पार्टी, तो उसको वहां पे फंड्स चाहिए। दूसरा जो है वो न्यू मनी है, बट वो ही इज वेरी अब्यूसिव टुवर्ड्स हिज वाइफ, तो वो वैसे वाली फैमिली है। और ऐसे ही चौथा जो है, ही हिज वाइफ इज एक्चुअली अ ब्रोकर इन दैट सोसाइटी। वो नए नए लोगों को लाती है और वो करती है, एंड द हस्बैंड इज ग्रोइंग वीड इन हिज अपार्टमेंट, और वो मतलब चिल कर रहा है। तो जो सबसे पहले वाला आदमी जो बहुत विनर था, मगर ही कुड नॉट, ही वॉज एक्चुअली थ्रोन आउट ऑफ हिज ओन कंपनी, तो वो जो वो था, वो डिसाइड करता है कि वो सबको कन्विंस कर लेता है, वील डू अ मास सुसाइड इन अ वे दैट आर वाइव्स विल गेट कम्पनसेशन एंड दे विल लिव हैप्पीली आफ्टरवर्ड्स। तो इसी के अराउंड ये स्टोरी है। हमें शुरू में पता लग जाता है कि लोग मरे हैं, मगर कैसे मरे हैं, क्या हुआ था, हमें नहीं पता। एंड में हमें खुलता है, धीरे धीरे करके शो बनता है। बहुत अच्छा लगा मुझे। वेंटेज पॉइंट वाली चीज़ें मुझे वैसी बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे पल्प फिक्शन भी थी, और ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा शो। कैन बी वॉच्ड। ओके।